प्लीज वेलकम बैक टू माई चैनल. आई होप यू ऑल आर सेफ एंड डूइंग वेल. सो दिस वीडियो इज गोना बी अ सुपर डुपर रैंडम लाजपत नगर शॉपिंग हॉल. सो अभी मैं रिसेंटली ही लाजपत नगर मार्केट गई थी कुछ दिन पहले और बहुत ही इम्प्रॉम्प्टू प्लान बना था जाने का. मुझे जस्ट एक जुत्ती खरीदनी थी एंड आई आस्क्ड यू गाइस ऑन माई इंस्टाग्राम के मैंने बहुत रैंडम चीजें खरीदी हैं, तो अगर आप लोगों को हॉल देखना है तब भी तो मुझे बता देना. एंड सो मेनी ऑफ यू गाइस वॉन्टेड टू सी द हॉल, सो हियर आई एम. मैं पहले ही आप लोगों को वॉर्न कर रही हूँ गाइस के ज्यादा कुछ एक्सपेक्ट मत करना, बिकॉज लाइक आई सेड कि बहुत रैंडम चीजें हैं. एंड हॉल स्टार्ट करने से पहले गाइज आई जस्ट क्विकली डिस्कस माई लुक ऑफ द डे, क्योंकि काफी टाइम से मैंने अपनी कोई भी ऐसे लुक ऑफ द डे डिस्कस नहीं की है. सो आज आई एम वेयरिंग दिस वेरी ब्यूटिफुल लाइनर. मतलब मैंने थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट किया है, आप देख सकते हो डबल शेड का लाइनर लगाया हुआ है. इट्स अ ग्रीन एज वेल एज अ सिल्वर मेटालिक आई शेडो जिसको मैंने लाइनर की तरह यूज किया है. सो बहुत ही क्यूट प्रोडक्ट्स यूज किए हैं मैंने. द फर्स्ट वन इज द स्टेक वर्कीज what's this eye shadow pencil in the shade at the party number 1. So it's a very beautiful green liner, you guys can see. काफी ज्यादा सुंदर लग रहा है, बहुत प्यारी सी शीन है इसमें. इट्स सुपर डुपर क्रीमी, काफी ज्यादा अफोर्डेबल भी है ये, एंड इट्स अ वेरी हैंडी डैंडी प्रोडक्ट. आई लव दिस. एंड जो मैंने सेकेंड यू नो एज अ लाइनर की तरह यूज किया हुआ है, इट्स द स्विस ब्यूटीज मेटालिक आई शेडो. इट्स इन द शेड स्मोकी स्टॉर्म नंबर 4 एंड इट्स सो ब्यूटिफुल. लाइक आप देख ही सकते हो कि कितना सुंदर लग रहा है. मैंने बहुत यू नो अपने लैश लाइन के क्लोज इसको थोड़ा थोड़ा इसे लगा लिया एक लाइनर की तरह. सिंस माय आईज आर थोड़ी चमकीली, तो मैंने सोचा कि आज एक मैट ब्लश लगाते हैं. एंड द ब्लश दैट आई एम वेयरिंग टुडे इज द स्टेक वर्कीज चीकी गर्ल्स ब्लश इन द शेड पिंक डीवा नंबर 1. इट्स सो पिगमेंटेड यू गाइज, बहुत ही ज्यादा पिगमेंटेड है. यू जस्ट नीड टू यू नो डिप योर ब्रश वंस और दोनों गालों पे आराम से लग जाता है. ब्यूटिफुल फॉर्मुलेशन, काफी ज्यादा अच्छा लगता है मुझको. एंड यू कैन सी इट सूट्स माई स्किन टोन सो ब्यूटिफुली. एंड नाउ द लिपस्टिक दैट आई एम वेयरिंग टुडे इज फ्रॉम पर्पल. इट्स देयर शेड्स ऑफ लव प्राइमर प्लस मैट लिपस्टिक एंड दिस इज माई फेवरेट शेड फ्रॉम द इंटायर रेंज. कितना ज्यादा सुंदर न्यूट कलर है as you guys can see. And the shade is called To the Moon and Back number 12. I personally love this color. बहुत ही ज्यादा सुंदर है. It's so creamy you guys. Super duper comfortable on the lips and it gives this beautiful sheen on the lips. मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद है ये शेड. Definitely check it out. If you are somewhere near to my skin tone or maybe a shade or two darker, this is going to be such a beautiful nude for you, trust me. अगर आपको ये प्रोडक्ट चेक आउट करने हैं गाइज, तो मैं इन सबके लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी. मेक श्योर टू चेक दीज आउट, दीज आर लाइक ग्रेट वैल्यू फॉर मनी. एंड दैट्स माई मेकअप लुक फॉर टूडे. नाउ द इयररिंग्स आर आई एम वेयरिंग आर बाय everstylish.com. Again, very very cheap and good quality earrings. Now the kurta that I'm wearing is from Meesho. Just in case you guys are interested, मैं इसका भी link नीचे description box में mention कर दूंगी. So this is my entire look and yes, without any further ado, now let's just get started with today's haul. Alright guys, so more than half of the things are appropriate for the festive season. So you can say it's mainly going to be a festive haul. Hence the festive background for this video, for this haul video as well. Otherwise मैं अपने रेगुलर बैकग्राउंड पे शूट करती, बहुत ज्यादा TMI हो गया. बट एनीवेज, तो मैं सबसे पहले आपको वही चीज दिखाती हूँ जिसके लिए मैं मेनली मार्केट गई थी. सो इट्स दीज ब्यूटिफुल जुत्तीज दैट आई गॉट. बहुत ही ज्यादा सुंदर है गाइज. एंड इस पे आप देख सकते हो कि राइनस्टोन्स लगे हुए हैं ब्रॉन्जी गोल्डन सॉर्ट ऑफ अ कलर के, एज वेल एज मिरर भी लगे हैं. बहुत सुंदर एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है. एंड इस टाइप की जुत्तीज बहुत ही परफेक्ट होती है फेस्टिव सीजन के लिए, शादी सीजन के लिए. तो मैंने सोचा कि ठीक है मैं ले लेती हूँ. आई एम नॉट इनटू जुत्तीज एज सच, बट दिस टाइम आई जस्ट थॉट कि ठीक है ले लेनी चाहिए. एंड आई गॉट दिस फॉर 500 rupees. आई थिंक ये 500 rupees में इट्स क्वाइट अ नाइस डील, क्योंकि काफी अच्छी कंफर्टेबल सोल है, काफी कुशनी सी सोल है आप कह सकते हो. नेक्स्ट अप आई गॉट टू पेयर ऑफ इयररिंग्स एंड द फर्स्ट पेयर लुक्स लाइक दिस. इट्स दीज ब्यूटिफुल गोल्डन झुमकीज. मुझे अपने एथनिक वेयर के साथ सिंपल, नॉट एग्जैक्टली सिंपल बट प्लेन गोल्डन यू नो इयररिंग्स चाहिए थे जिसमें और कोई कलर ना हो बेसिकली. सो मैंने सिर्फ गोल्डन कलर की झुमकी स्टाइल में ली है. इस बार मेरे पास झुमकी टाइप के इयररिंग्स थे नहीं पहले, सो आई थॉट इट वुड बी परफेक्ट. एंड आई थिंक आई गॉट दीज फॉर 300 rupees आफ्टर बार्गेनिंग. एंड द नेक्स्ट पेयर लुक्स लाइक दिस. मतलब बहुत ही ज्यादा सुंदर स्टड्स हैं इसमें बीच में. आई डोंट नो एग्जैक्टली बट
पिंक पीच सॉर्ट ऑफ अ कलर के स्टोन्स लगे हुए हैं. मुझे इसको अपने एक आउटफिट के साथ मैच करने के लिए चाहिए था, विच इज वाई मैंने ये वाला कलर लिया. एंड काफी गुड क्वालिटी स्टड्स हैं गाइज. मतलब आपका जब ऐसे डैंगलर वाले इयररिंग्स पहनने का मन ना हो अपने एथनिक वेयर के साथ, तो आप इस टाइप के कुछ स्टड्स पहन सकते हो एंड बहुत ही ज्यादा सुंदर लगते हैं. एंड मुझे काफी सही डील मिल गई थी गाइज. मतलब आई थिंक आई गॉट दिस फॉर 150 rupees. एंड जहां तक आई रिमेम्बर, शॉपकीपर ने खुद ही बार्गेन कर लिया था कि मैडम ले जाओ 150 में. तो आई वॉज सो हैप्पी. द नेक्स्ट थिंग दैट आई गॉट इज एक्चुअली अ डेकोर पीस एंड इट्स सो ब्यूटिफुल. इट्स परफेक्ट फॉर क्रिसमस. अभी क्रिसमस आया नहीं है, बट आई फील कि क्रिसमस के टाइम ये बहुत ही ज्यादा सुंदर लगेगा अगर इसको मैं अपने यहाँ पे टेबल पे रख लूँ. सो इट्स दिस स्नोफ्लेक कैंडल स्टैंड समथिंग. आई डोंट नो कि एग्जैक्टली इसको क्या बोलते हैं, बट यहाँ पे सब बहुत सुंदर सा स्नोफ्लेक दिया हुआ है. इसमें से बीड्स लगे हुए हैं दोनों तरफ, यही सेम डिजाइन है. एंड बीच में देयर इज दिस कैंडल होल्डर. एंड गाइस यू कैन एक्चुअली हैंग दिस एज वेल. यहाँ पे ऐसे लूप दिया हुआ है, सो आप इसको आराम से कहीं हैंग भी कर सकते हो. यहाँ पे कैंडल जलाओ रात के टाइम, बहुत ही ज्यादा सुंदर लगेगा. तो मैंने ये ले लिया एंड आई गॉट दिस फॉर 200 rupees. 200 rupees के हिसाब से आई थिंक अ डेकोर पीस लाइक दिस इज कम्प्लीटली वैल्यू फॉर मनी. इट्स एक्चुअली अ स्टील डील. सो द नेक्स्ट टू थिंग्स दैट आई गॉट आर एक्चुअली फॉर द विंटर सीजन. एंड द फर्स्ट वन आर दीज स्लीपर्स, दीज वेरी कोजी फरी स्लीपर्स. आई कैन नॉट सर्वाइव दिल्ली की सर्दी विदाउट दीज स्लीपर्स. एंड मैं हर साल खरीदती हूँ गाइज इस टाइप की स्लीपर्स. सो इस बार मैंने बहुत सुंदर सा लैवेंडर कलर खरीदा है. सो इट्स अ वेल डिजाइन. आई एम नॉट रियली श्योर, वेल तो अभी लग नहीं रही है, बट कुछ इस टाइप की ये स्लीपर्स हैं एंड बहुत ज्यादा कोजी हैं. नाउ दीज वंस आई गॉट ओनली फॉर ₹300 एंड आई एब्सोल्युटली लव दीज. नेक्स्ट अप आई गॉट दिस श्रग. इट्स अ वेरी नाइस क्रीम कलर का श्रग एंड आगे से कुछ इस टाइप का दिखता है. बहुत ही अच्छी क्वालिटी है गाइज. एंड ये वाला आई थिंक सिर्फ 100 rupees में मिल रहा था फ्रॉम दोज गोल गोल थड़ीज. एंड यू वोंट बिलीव गाइज, इट्स फ्रॉम H&M. येस यू हर्ड इट राइट, H&M का श्रग मुझे 100 rupees में मिल गया लाजपत नगर में. एक्चुअली वहां पे भी ऐसे यू नो रिजेक्टेड पीसेस वगैरह आते हैं जस्ट लाइक सरोजनी नगर. तो मैंने सोचा कि ठीक है 100 rupees में H&M का श्रग मिल रहा है, और क्या चाहिए. नाउ वी जस्ट लेफ्ट विद लास्ट टू थिंग्स एंड बोथ ऑफ दीज आर एक्चुअली गिफ्ट. नाउ द फर्स्ट गिफ्ट दैट आई गॉट इज एक्चुअली फॉर माई बेबी ब्रदर. ही इज जस्ट 6 months ओल्ड. सो बेसिकली ही इज माई चाचू चाची यंगर सन एंड आई कॉल हिम गुगलू ऐसे ही प्यार से. वैसे उसका नाम द्रवित है. सो दिस इज वॉट द गिफ्ट लुक्स लाइक. सो इट्स अ वेरी कोजी टी शर्ट एंड जॉगर सेट यू कैन से. आई नो तुम लोग सोच रहे हो ही इज अ बॉय तो मैंने इसे पिंक कलर में क्यों लिया, बट आई रियली डोंट माइंड. मतलब मेरे लिए ऐसा कंपल्शन नहीं है कि इफ ही इज अ बेबी बॉय तो उसको मैं ब्लू थिंग्स दूं. तो मैंने सोचा कि बहुत ही ज्यादा क्यूट लगेगा उस पे एंड इसका एकदम परफेक्ट साइज है. मतलब इट्स सो फरी, यू नो दोज फरी पजामाज दैट वी वेयर इन विंटर्स जो बहुत ही ऐसे भर भर के मिलते हैं फ्ली मार्केट्स में, ये सेम वही मटेरियल है. एंड मुझे पूरा एक सेट मिल गया. सो आई वॉज सो हैप्पी. एंड सिंस इट्स अ गिफ्ट गाइज आई वोंट बी रिवीलिंग द प्राइस. मतलब मैं आपको एक एस्टिमेट दे देती हूँ. सो इट रेंजेस फ्रॉम 200 to 400. इस रेंज के बीच में ही मेरे को ये सेट पड़ा. नाउ द नेक्स्ट गिफ्ट दैट आई गॉट इज फॉर अभिषेक्स मॉम एंड मैंने इसको एक बहुत ही बड़े शोरूम से लिया था एंड द शोरूम इज कॉल्ड बाटला. सो आई गॉट दिस वेरी ब्यूटिफुल कुर्ती. इट्स एन एंकल लेंथ कुर्ती, बहुत ही सुंदर कलर है. सो इट्स दिस क्वार्टर स्लीव की कुर्ती गाइज एंड सामने बहुत ही सुंदर ऐसे सिल्वर एंड रेड में एम्ब्रॉयडरी दी हुई है एंड देन ऑल ओवर ऐसा जयपुरी सॉर्ट ऑफ अ प्रिंट है. साइड में ही ना दो ऐसे लटकन्स दिए हुए हैं जो कि बहुत ऐसे एकदम राजस्थानी वाइब्स देते हैं. मुझे तो बहुत ही ज्यादा पसंद है एंड सिंस हिज फैमिली इज राजस्थानी, लाइक दे बिलोंग फ्रॉम राजस्थान, तो मैंने सोचा कि बहुत ही सही गिफ्ट रहेगा. एंड एज यू गाइस कैन सी दोनों साइड ही लटकन दी हुई है. देन नीचे से इट लुक्स लाइक दिस, काफी ज्यादा फ्लेरी है. एंड लास्टली ऐसे गोटा पट्टी सॉर्ट ऑफ वर्क दिया हुआ है यहाँ पे सिल्वर कलर का. गोटा पट्टी कहते हैं ना आई गेस इसको, या आई थिंक सो, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग. एंड पीछे से ये पूरी प्लेन है गाइज. मुझे बहुत ही ज्यादा यू कैन से के एलिगेंट लगी एंड इट लुक्स वेरी मच फेस्टिव एट द सेम टाइम. तो दैट्स वाई मैंने उनके लिए ले लिया. ना इसके पीछे एक बैक स्टोरी है गाइज. तो करवा चौथ से पहले आई गेस मैंने उनके लिए 2 suit sets ऑर्डर किए थे मीशो से एंड मैंने बहुत मन से ऑर्डर किए थे, बट दोनों की क्वालिटी बहुत ही थर्ड क्लास निकली. सी ऐसा हमेशा नहीं होता ना कि आप मीशो से कुछ भी ऑर्डर कर दो एंड क्वालिटी हमेशा टॉप नॉच निकले. मेरे साथ भी ऐसा बहुत बार होता है कि मेरे को रिटर्न करनी पड़ती है कोई चीज़ और फिर दोबारा से कुछ ऑर्डर करना पड़ता है. सो आई स्टिल रिमेंबर एक सूट की क्वालिटी उनको अच्छी लगी थी बट साइज फिट नहीं आया था एंड जो दूसरा सूट था उसकी क्वालिटी बहुत ही वाहियात थी. तो मैंने दोनों ही रिटर्न करवा दिए थे गाइज. तो ऑब्वियस सी बात है अब रिटर्न करवा दिए, सो आई
हैड टू गिफ्ट समथिंग अगेन टू हर. तो मैंने सोचा कि इस बार मैं उनके लिए खुद जाके यू नो इस टाइप का कुछ अच्छा सा सूट, फेस्टिव वेयर सूट टाइप का ले आऊं. यानी बहुत सुंदर कुर्ती है. इसके साथ आप चाहो तो चुन्नी कैरी कर सकते हो, नहीं करनी टोटली योर कॉल. एंड नीचे तो कुछ भी पहन लो, दिखने वाला है नहीं बिकॉज एंकल लेंथ है. आई टोटली फॉरगॉट टू शो यू गाइस कि इसकी स्लीव पे भी इस टाइप की सेम एम्ब्रॉयडरी दी हुई है जो यहाँ पे फ्रंट में दी है. एंड इसका प्राइस मैं ऑब्वियसली आपको बता सकती हूँ क्योंकि मैंने अभिषेक के साथ ही ली थी एंड ही नोज द प्राइस, ही हैज ऑलरेडी टोल्ड हिज मॉम. सो दिस इज फॉर 1599 रुपीज. उसके हिसाब से आई फील इट्स रियली गुड क्वालिटी, इज सो गुड यू गाइज. एंड सिंस आई टॉक्ड अबाउट मीशो, तो जो रिमेनिंग दो चीजें रह गई थी ना मेरे लास्ट दिवाली डेकोर हॉल में, वो मुझे अब रिसीव हो चुकी हैं. तो मैंने सोचा कि आई शुड बेटर इंक्लूड दीज थिंग्स एज वेल इन दिस हॉल. अगर आप लोगों ने मेरा दिवाली डेकोर हॉल देखा है मीशो वाला, तो आपको पता होगा व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट. अगर आपने नहीं देखा तो इस वीडियो के बाद जरूर देख लेना. सो द फर्स्ट थिंग दैट आई गॉट इज दिस ब्यूटिफुल दिया गाइज, मतलब आपके मंदिर में बहुत ही ज्यादा सुंदर लगेगा. एंड एकदम ऐसा सिमिलर स्टडी डिजाइन दिया हुआ है जस्ट लाइक दिस कैंडल होल्डर दैट आई एम यूजिंग एज माय बैकग्राउंड प्रॉप. ये वाला भी मीशो से ही लिया था मैंने. नाउ इसकी क्वालिटी बहुत सही है गाइज. आई थिंक ये ब्रास मटेरियल है इफ आई एम नॉट रॉन्ग. बहुत सुंदर ऐसा फ्लावर शेप है. आई रियली लाइक दिस. और जो दूसरी चीज है जो रह गई थी लास्ट टाइम, एंड यू कैन से इट्स द लास्ट पीस ऑफ दिस हॉल एज वेल, इज दिस ब्यूटिफुल मेटल तोरण. मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी इस पीस के लिए क्योंकि इस साल ऑनेस्टली बोलूँ तो रंगोली बनाने का मन नहीं है, प्लान्स नहीं है, मतलब आई डोंट नो. तो ये बहुत ही अच्छी लगेगी एंट्रेंस पे. बट दिस इज नॉट इट गाइज. इट कम्स विद दिस सॉर्ट ऑफ क्या कहते हैं छोटे छोटे और मेटल तोरण जिसको आप इसके साइड में रख सकते हो. बेसिकली इसे गोल टाइप की रंगोली टाइप ऑफ इफेक्ट मिलेगा इससे. मेरी रंगोली मेकिंग स्किल्स टू बी वेरी ऑनेस्ट मीडियोकर से भी कम है. तो मैं थोड़ा ऐसे हो जाती हूँ जब रंगोली बनाने का टाइम आता है क्योंकि उतने अच्छे स्किल्स है नहीं लाइक आई सेड. तो मैंने सोचा कि इस टाइप का मेटल तोरण बहुत सुंदर लगेगा. एंड ऑल्सो गाइस बीच में यहाँ पे से घुंघरू लगे हुए हैं, लिटरली घुंघरू की आवाज आ रही है मुझे. साथ में यहाँ पे से पर्ल डिटेलिंग दी हुई है. देन ये नकली गेंदा फूल, नॉट एग्जैक्टली गेंदा फूल बट पॉम पॉम टाइप की डिटेलिंग है, बहुत सुंदर है. एंड पीछे से कुछ इस टाइप का दिखता है. बट टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे थोड़ा सा ओवर प्राइज लगा, थोड़ा नहीं एक्चुअली काफी ओवर प्राइज लगा. सो दिस वॉज फॉर 750 रुपीज. मतलब ये सब चीजें 750 रुपीज की हैं. एंड आई ऑल्सो फॉरगॉट टू टेल यू गाइस के सबके बीच में ऐसा कैंडल होल्डर दिया हुआ है जिसके अंदर ये टी लाइट कैंडल पहले से ही फिक्स्ड आती है. एंड दैट्स ऑल फॉर दिस हॉल. आई रियली होप यू गाइस एंजॉयड वॉचिंग दिस सुपर डुपर रैंडम हॉल फ्रॉम लाजपत नगर मार्केट. ऑल्सो गाइज बिफोर आई एंड दिस वीडियो लेट मी क्विकली रिमाइंड यू कि एक दिवाली गिव अवे लाइव है मेरे चैनल पे विद टू ऑफ माई यूट्यूब बडीज. सो मेक श्योर यू पार्टिसिपेट बिकॉज इट्स एंडिंग ऑन द 14th ऑफ नवंबर. और डिटेल्स जानने के लिए मैं यहाँ पे आई बटन पे लिंक कर दूंगी वो गिव अवे अनाउंसमेंट वीडियो, एक बार जस्ट देख लो. और अगर पार्टिसिपेट करना है तो कर लो गाइज. दैट्स प्रीटी मच इट फॉर दिस वीडियो इज वेल. इफ यू लाइक इट देन प्लीज मेक श्योर दैट यू गिव दिस वीडियो अ बिग थम्स अप. सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर सच वीडियोज. इन केस यू गाइज वुड लाइक टू कनेक्ट विद मी ऑन माई सोशल मीडिया, देन आई वुड श्योरली लीव ऑल द लिंक्स फॉर यू गाइज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो एज ऑलवेज. एंड येस आई शुड सी यू नेक्स्ट टाइम. टिल देन यू ऑल प्लीज स्टे सेफ, स्टे पॉजिटिव एंड बी काइंड टू योर सेल्फ एंड अदर्स. बाय बाय.